अब हम बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग, ये टॉपिक जो है ना सीएसएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं, क्योंकि सीएसएस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन या स्टाइलिंग कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स को स्टाइल करने में ना इन तीन चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार होता है। थोड़ा सा मार्जिन और थोड़ी सी पैडिंग अभी आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि कैसे जो यार उसको बिल्कुल आपने बंद कर दिया, ये जो ये दो लाइटें जलाओ, ये दो छोड़ के फिर उसके दो वाली जलाओ ना। आई थिंक गुड इनफ है, मुझे शक्लें दिखती रहे ना वहाँ कोने वालों की तो बस सही है। अच्छा, तो ये जो बॉक्स की बात हो रही है ना, इस चैप्टर में कई दफ़ा बॉक्स का जिक्र हुआ है, तो ये बॉक्स का जिक्र हो रहा है। HTML का हर एक एलिमेंट एक्चुअली एक बॉक्स है, उसका हम एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कई दफ़ा। अगर ये जैसे लास्ट क्लास में जो हम कोड लिख रहे थे उसको मैं ओपन करूं और राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जब जाते हैं, अच्छा वैसे भी इस पर बॉर्डर से दिख रहा है, इसके जो एजेस दिख रहे हैं हमें, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट के बटन पे और हम किसी भी एलिमेंट पे जब जाएंगे तो हमें इनफैक्ट वो दिख रहा होता है कि वो एक चकोर बॉक्स है। चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई बटन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या पैराग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक्चुअल में एक बॉक्स है। अच्छा, तो बॉक्स किन चीज़ों से मिलकर बनता है? नंबर एक, यानी इस बॉक्स मॉडल में क्या क्या शामिल है? अच्छा, बॉक्स मॉडल के अलावा और कौन से मॉडल पढ़े हैं आपने? पहले मॉडल किस चीज़ को कहते हैं, पहले तो ये सेम पेज पे लाना चाह रहा हूँ मैं। साइंस में बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं वैसे, एक तो ये बॉक्स मॉडल है कि बॉक्स में क्या क्या होता है, क्या मिलके बनता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में मॉडल्स बहुत सारे होते हैं। कौन सा मॉडल पढ़ा था? हाँ, हाँ भाई, और किसी ने कोई मॉडल पढ़ा है? क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा ये कौन से बॉक्स मॉडल, ये आगे बात पता नहीं चलेगी कि लिखा हुआ क्या है इसमें। मजे की बात, मेरे जहन में भी अभी कोई मॉडल नहीं आ रहा है ऐसा। मॉडल कालो नहीं आ रहा है। तो वेल, मॉडल ये होता है कि किसी भी चीज़ की ना जो जैसे जो स्टेट्स होती हैं किसी भी, हाँ अभी मेरे वो जहन में नहीं आ रहे कोई दूसरे मॉडल्स, कई सारे मॉडल होते हैं साइंस, असल में साइंस में ना चीज़ों को मॉडल मॉडल बना के पेश किया जाता है। वेल, तो हम ये पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में जहन में आएगा तो मैं फिर आपको बताऊँगा। अच्छा, तो जब भी कोई बॉक्स बनेगा ना तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें रहेंगी रहेंगी, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? ज़ीरो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर एक बॉर्डर होगा। एवरी बॉक्स हैज़ अ बॉर्डर, इवन इफ इट इज़ नॉट विजिबल और इज स्पेसिफाइड टू ज़ीरो, द बॉर्डर सेपरेट्स द एज ऑफ वन बॉक्स फ्रॉम अनदर। ठीक है, ये जो ये कौन सा कलर है, मुझे तो यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, हाँ प्रोजेक्टर भी ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर से जो ये डब्बा बना हुआ है ना, दिस बॉक्स इज बॉर्डर। ठीक है, ये एक्चुअली एक बॉक्स, इसने एक H1 बनाया हुआ है, यहाँ पे एक H1 बनाया हुआ है जिसमें एक बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक्सल ही होता है, इसलिए वो नज़र नहीं आता। अभी जब ही हम क्या करते हैं, जब हम CSS में लगाते हैं ना बॉर्डर को, जब विजिबल करना होता है तो मैं कहता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और फिर कलर बताता हूँ। सॉलिड की जगह डॉटेड भी हो सकता है, ये भी आगे कवर होगा ये भी बुक में, तो 1 पिक्सल करूँगा तो दिखेगा वो, अदरवाइज बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 पिक्सल होता है, लेकिन वो एक एज होता है आपके एलिमेंट का। अच्छा, मार्जिन सिट आउटसाइड द एज ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर की साइड अगर बॉक्स बड़ा होगा, अगर मैं बोलूँगा कि भाई अब जो ये बॉक्स है इसका मार्जिन हो जाए 5 पिक्सल, तो वो क्या करेगा, जितना बड़ा बॉक्स है ना उसके बाहर बढ़ाएगा अपने आप को, वो बॉर्डर के अंदर नहीं बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डिव बनाया था या एक H1 बनाया था या एक पैराग्राफ बनाया था,
उसको मैंने कहा था कि भाई आपकी जो विड्थ है वो भी 500 पिक्सल है, हाइट भी 500 पिक्सल है, स्क्वायर रखा है मैंने उसको, तो वो 500 पिक्सल पे उसका बॉर्डर तो 500, क्योंकि बॉर्डर जीरो होता है बाय डिफॉल्ट, तो बॉक्स पूरे 500 पिक्सल का होगा। लेकिन जब मैं कहूँगा कि मार्जिन आप ले लो 10 पिक्सल, तो इसका क्या मतलब है कि वो 500 के इधर भी 10 बढ़ेगा और इधर भी 10 बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह बॉर्डर रेडियस हम चार साइड का अलग अलग लगाते हैं, तो मार्जिन भी चारों साइड का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट में अगर कहता हूँ 10 पिक्सल, इसका मतलब चारों साइड 10 10 पिक्सल, तो वो 510 इधर हो जाएगा और इधर जब होगा तो वो टोटल 520 का हो जाएगा बॉक्स। तो अब उसकी विड्थ भी 520 हो चुकी है, हाइट भी 520 हो चुकी है, तो मार्जिन हमेशा किधर ग्रो करेगा, बॉर्डर के बाहर की साइड ग्रो करेगा। ठीक है, यू कैन सेट विड्थ ऑफ अ मार्जिन टू क्रिएट गैप बिटवीन बॉर्डर ऑफ टू एडजेसेंट बॉक्सेस। अच्छा, आमतौर पर मार्जिन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैंने 3 बटन बनाए हुए, अब 3 बटन मैंने बिल्कुल लाइन से बनाए हुए ना, तो बिल्कुल चपके हुए होंगे आपस में वो बाई डिफॉल्ट, या 3 इमेजेस हैं तो बिल्कुल चपकी हुई होंगी, हमने ये एक्सपीरियंस करके देखा भी है कि वो चीज़ें बिल्कुल चपकी हुई आ रही होती हैं जब हम उसको साथ साथ बनाते हैं। तो जब मैं बोलूँगा कि मार्जिन 10 पिक्सल ले लो, तो वो क्या करेगा, क्योंकि बाहर की साइड वो ग्रो करेगा, मार्जिन बाई डिफॉल्ट इनविजिबल होता है, मार्जिन विजिबल नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखता नहीं है, तो लेकिन क्या होता है वो अपने साथ वाले एलिमेंट से ना थोड़ा दूर हो जाता है उस मार्जिन की वजह से। अच्छा, उसके अलावा पैडिंग है, पैडिंग सिट बिटवीन, क्या लिखा है इसने, पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द बॉक्स। हाँ सही लिखा है ना, पैडिंग जो है वो बॉर्डर के अंदर की तरफ ग्रो करेगी। सही है, आपने अगर बोला कि एक 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल का बॉक्स था जिसमें मैं 10 10 पिक्सल चारों साइड लगा चुका हूँ, यानी वो 520 पिक्सल का बाई बाई 520 पिक्सल का हो गया। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स जो है ना, जो बाई डिफॉल्ट बॉक्स होता है, अभी मिसाल के तौर पर मैंने विर्थ नहीं लगाई, अगर तो बाई डिफॉल्ट बॉक्स क्या होता है, अपने कॉन्टेंट पर टाइट होता है, अपने कॉन्टेंट पर टाइट होता है। अच्छा, तो एक तो तरीका ये है कि मैं उसकी विर्थ बता दूँ कि भाई तू 500 पिक्सल के हो जाओ, दूसरा तरीका ये है। अच्छा, 500 पिक्सल करने से ये होगा कि कल को कंटेंट बढ़ेगा ना, बॉक्स नहीं बढ़ेगा साथ साथ, बॉक्स फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, या मैंने ईएम में भी अगर दिया है तो बॉक्स तो फिक्स रहेगा, बॉक्स नहीं बढ़ेगा साथ में। तो उसका बेहतर तरीका मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप बोलते हैं कि विर्थ हाइट हटा दो, पैडिंग ले लो। पैडिंग से क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे पैडिंग को ना एक्सपीरियंस करके देखते हैं। देखो, अभी ये गूगल फॉन्ट जो लिखा हुआ है ना, इस पर मैंने बॉर्डर लगाया है, इस पर कोई पैडिंग नहीं है इस वक्त, तो आप देखें ये अपने कंटेंट पे टाइट है, हॉरिजॉन्टल तो ये पूरा विड्थ लेता है क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हाइट वाइज आप देखें वर्टिकल, ये अपने कंटेंट पे टाइट है। तो एक तरीका तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ और इसको मैं बोलूँ कि भाई आपकी जो हाइट है ना वो 20 पिक्सल, नहीं 20 पिक्सल तो कम कर दिया मैंने, हाइट बढ़ा दी मैंने मिसाल के तौर पे। ठीक है, हाइट बढ़ा दी मैंने, अब कंटेंट से हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है, हाइट अपनी जगह फिक्स है, कंटेंट का एक अपना साइज़ है, कंटेंट का साइज़ किसी वजह से ग्रो या कम भी हो सकता है लेकिन साइज़ फिक्स रहेगा। इस काम को करने का एक बेहतर तरीका है वो ये है कि मैं पैडिंग दे दूँ इसको। ठीक है, हाइट की जगह मैंने बोला पैडिंग 10 पिक्सल, तो पैडिंग देने से क्या हुआ, अच्छा पैडिंग को या इसको आप अगर आपने देखना है बॉक्स मॉडल को, तो यहाँ पे आप देखें स्टाइल के साथ साथ में कंप्यूटेड लिखा हुआ आ रहा होता है, इस कंप्यूटेड पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपको ये बॉक्स मॉडल दिखा देता है। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल इसने दिखा दिया। अच्छा, इस बॉक्स मॉडल में देखो मुझे पैडिंग ना 10 पिक्सल नज़र आ रही है, और आप गौर करें ये बॉर्डर से अंदर की तरफ है, बॉर्डर से बाहर की तरफ नहीं है। ठीक है, तो अच्छा एक्चुअल कंटेंट ये रहा जो विड्थ है कंटेंट ही, उसके अलावा ये पैडिंग है, फिर ये बॉर्डर है और फिर मार्जिन है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो H1 के ऊपर जो है ना कुछ मार्जिन होता है पहले से। ठीक है, H1 के ऊपर एक सर्टन, क्योंकि आपको पता है हमने कुछ अर्से पहले ये डिस्कस किया था कि वो H1 एक्चुअल में क्या है, H1 में जब मैं किसी कंटेंट को रैप करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि उस सर्टन कंटेंट के ऊपर एक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। वो स्टाइलिंग क्या है, एक तो 2 EM उसका टेक्स्ट का साइज़ हो जाता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है वो, उस पर एक सर्टेन फॉन्ट अप्लाई हो जाता है जो चोंच वाला फॉन्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा उस पर कुछ मार्जिन पैडिंग लगा दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप हेडिंग डालते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप पैराग्राफ शुरू नहीं करते,
थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं, तो इस फॉर दिस वेरी रीजन इसको थोड़ा सा मार्जिन पहले से दे देते हैं ये, तो एक सर्टन टाइप की स्टाइलिंग है जो H1 पे रैप करते ही अप्लाई हो जाती है, तो वो इस वजह से आपको मार्जिन दिख रहा है, हालांकि हमने मार्जिन इस पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, अच्छा पैराग्राफ पे भी कुछ मार्जिन अप्लाई हुआ हुआ होता है, बॉडी पे भी पहले से कुछ मार्जिन अप्लाई हुआ हुआ होता है, 1 पिक्सल या पता नहीं 2 पिक्सल इस तरह, ठीक है। अगर मैं बॉडी पे क्लिक करूँगा यहाँ जाके, तो अब बॉडी पे देखें कुछ मार्जिन पहले से है, 8 पिक्सल का मार्जिन है, ठीक है। तो कुछ डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, काम शुरू करने से पहले इन सारे मार्जिन को ज़ीरो कर देते हैं, स्टेरिक लगा के मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करते, ठीक है, कुछ लोग उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट इसमें गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं जिनके पीछे लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप जिस डिज़ाइनर को फॉलो कर रहे होंगे, उसके मिसाल के तौर पे अभी जो रिएक्ट में आमतौर पे फॉलो किया जा रहा है, वो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो किया जा रहा है, मटेरियल डिज़ाइन जो वो गूगल ने बनाया है, हमने थोड़ी डिस्कशन की है डिज़ाइन वो उसकी मटेरियल की, यहाँ पे मटेरियल हमने नहीं खोला अभी तक, खोलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो वो मटेरियल डिज़ाइन एक गूगल वालों ने बनाया है, गूगल की ऑनरशिप है उसकी, गूगल उसमें बताता है कि यार फॉन्ट ऐसे होने चाहिए, रोबोटो फॉन्ट उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो यूज़ करते हैं अक्सर, और भी एक दो हैं लेकिन रोबोटो ज़्यादा करते हैं। फिर वो कहते हैं यार आइकन फ्लैट होने चाहिए, फिर शेडो किस एंगल पे होना चाहिए, एंगुलर डिज़ाइन है एक्चुअली वो, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट एंगल्स, एंगुलर डिज़ाइन है, तो शेडो अगर आ रहा है तो किधर आना चाहिए, एजेस कैसे होने चाहिए, अगर गोल है तो क्या होना चाहिए, चकोर है तो क्या होना चाहिए, तो डू और डू नॉट की बहुत लंबी लिस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। तो डिज़ाइन गाइडलाइन है वो मटेरियल डिज़ाइन, तो उसको बहुत सारे लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइनर आए और गए, हर दौर का डिज़ाइन अलग होता है, हर दौर में कोई ना कोई आता है अपने डिज़ाइन पेश करता है, लोगों को पसंद आता है, लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर उस डिज़ाइन के पीछे बहुत लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं, बहुत लंबी लंबी आप कह लें कि उसके साथ स्टोरी कनेक्टेड होती है कि भाई ये डिज़ाइन क्यों और कैसे और इसका क्या रोल है। मिसाल के तौर पे इस वक्त का जो डिज़ाइन, जदीद डिज़ाइन का जो तकाजा है वो ये है कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है, तो हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो इस हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन को एम्ब्रेस कर सके, मतलब इस हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पे जब मैं देखूँ तो मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन की डिस्कशन हमने ऊपर वाले जिस दिन ऊपर क्लास हुई थी हमारी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उसमें हमने वो डिज़ाइन की डिस्कशन, डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, तो डिज़ाइन आज से 20 साल पहले का जो डिज़ाइन है ना वो अभी मोस्ट प्रॉब्ली उस तरह से वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उस वक्त की ज़रूरतों के लिए, उस वक्त के हार्डवेयर, उस वक्त के लोग, उस वक्त के लोगों की, आपको पता है आई साइट, एवरेज आई साइट भी वक्त के साथ साथ चेंज होती है। इस रीजन के जो लोगों की, हमारे रीजन के लोगों की जो एवरेज आई साइट है वो एक पता होता है लोगों को, स्टेटिस्टिकल डेटा होता है वो, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरेज हाइट क्या होती है, यहाँ पे सन लाइट कितनी है, यहाँ पे हर रीजन की सन लाइट आपको पता है अलग होती है। जो मिसाल के तौर पे लेवाइज या कोई दूसरी जो भी कंपनी होती है कपड़े बनाने वाली, तो उस वो जो रेड शर्ट बनाएगी ना, तो वो यहाँ के लिए जो रेड शर्ट बनाएगी वो रेड का कोड थोड़ा डिफरेंट होगा, यूरोप के लिए जो बनाएगी वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएगी वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप वही शर्ट ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे ना जाके, तो आपको लगेगा ये सेम है, ठीक है। वो फॉर द वेरी रीज़न जो हमने RGB की डिस्कशन की थी कि सनलाइट जो आती है तो सनलाइट में सातों कलर होते हैं, कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर लेता है, तो सनलाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट रीजन में दुनिया के वो अलग अलग है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त बादल ही छाए रहते हैं तो रोशनी कभी खुल के आती नहीं है, तो वहाँ पे जो कलर होगा ना रेड, वो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ता है ताकि आँखों को जो एक सर्टन कलर दिखाना है वो दिखे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं कि यार ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, वो फंक्शनैलिटी आम लोगों को पता नहीं चलती कभी भी, लेकिन वो उससे बेनिफिट उठा रहे होते हैं, यानी ना चाहते हुए भी या ना जानते हुए, अनजाने अनजाने में वो उससे बेनिफिट उठा रहे होते हैं उससे। तो गुड डिज़ाइन का मतलब है जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल है, जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है वो गुड डिज़ाइन है। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे बॉक्स मॉडल पे। अच्छा, तो अब मेरे केस में एक मेरे पास बॉक्स है, इन्होंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप मार्जिन और पैडिंग बढ़ाते हैं ना, ये रहा, मार्जिन एंड पैडिंग आर एडेड टू द विड्थ एंड हाइट। तो मेरे पास जो 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल का एक बॉक्स था,
जो मैंने फिक्स दे दिया था कि भाई इतनी तो आपकी विड्थ और इतनी आपकी हाइट है, उस पर मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन लगाया, 10 पिक्सल का मैंने पैडिंग लगाया उसके ऊपर, और 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाया। ठीक है, अभी मैं चारों साइड एक जैसा रख रहा हूँ हर चीज़, तो उस बॉक्स का विड्थ या हाइट अब कितनी हो चुकी है, 500 पिक्सल बाई डिफ़ॉल्ट था, 10 पिक्सल का मार्जिन लगाया तो 10 इधर 10 इधर 20 हो गया, तो वो 520 हो गया। फिर 10 पिक्सल की पैडिंग लगाई तो 10 इधर 10 इधर लगा, 20 हो गया, ये 540 हो गया। फिर 2 पिक्सल का मैंने वो लगाया बॉर्डर, तो कितना हो गया ये 542। तो 542 पिक्सल का स्क्रीन पे वो उसने जगह ले ली, सही है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भाई बॉक्स का जो साइज़ है ना, अच्छा ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, मार्जिन और पैडिंग को लेके बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग आगे चल के ना, कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो उसको 500 रखा था, ये पता नहीं बड़ा कैसे हो गया है ना। मतलब सम टाइम ऐसा होता है आप किसी चीज़ को स्क्रीन का साइज़ आप फिक्स करते हैं कि भाई 960 विड्थ है, अब आप चाहते हैं कि यार एक चीज़ इस तरफ रहे दूसरी स्क्रीन की उस कोने पर रहे, या 50-50 डिवाइड करना चाहते हैं आप, तो आप कहते हैं यार 960 का आधा तो होता है, जो भी होता है आपने एक को वो दिया दूसरे को वो साइज़ दिया, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं आ रहा था, वो नीचे चला जाता है, फिर 2-3 पिक्सल कम करते हैं तो 7 आ जाता है, वो असल में इस वजह से हो रहा होता है, क्योंकि जो बॉक्स को आपने मिसाल के तौर पर 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, आपने 2 डिव बनाया 500 बाई 500, 2 डिव बनाया तो वो साइड बाई साइड आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप 1 पिक्सल का भी बॉर्डर देंगे ना, वो जगह कम पड़ जाएगी, वो फ़ौरन पुड़क करके नीचे आ जाएगा, अगर रैप हुआ होगा, अदरवाइज ओवरफ्लो मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा वो। तो ये बॉक्स मॉडल को आपने भूलना नहीं है, इसको आपने याद रखना है कि हमेशा जो बॉक्स का साइज़ होगा उसमें आप जो भी चीज़ इन तीनों में से लगाएंगे ना, वो एडअप होगी, ऐसा नहीं होगा कि उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 500 पिक्सल का बॉक्स इवेंचुअली 540 पिक्सल का दिख रहा होगा आपको, तो आपने अगर उस पर पैडिंग भी लगानी है, बॉर्डर भी लगाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ को अकॉर्डिंगली कम रखना पड़ेगा, ताकि वो मार्जिन और बॉर्डर लगने के बाद अपने एक्चुअल साइज़ पे आ जाए। ठीक है जी, तो ये बॉक्स मॉडल था। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया कि भाई वाइट स्पेस एंड वर्टिकल मार्जिन, ठीक है, ये एक तीन एक्चुअली पैराग्राफ हैं ये, या तीन बॉक्सेस हैं, एक तरफ मार्जिन और पैडिंग लगाकर दिखाया है, एक तरफ बगैर मार्जिन पैडिंग के दिखाया है। अब आप नोट करें इसकी जो उसको क्या कहेंगे आप, डिज़ाइन इसका कितना इम्प्रूव हुआ है मार्जिन और पैडिंग लगने की वजह से। ठीक है, रीडेबिलिटी भी बढ़ी है ऑब्वियसली, डिज़ाइन ओवरऑल हर चीज़ को मिला के, यानी देखने में कैसा लग रहा है, रीडेबल है या नहीं है, और यानी डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ मैं कि अच्छा यार ये दो अलग अलग पैराग्राफ हैं, कि ओवरऑल हर चीज़ को मिला के हम डिज़ाइन कहेंगे, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और इसमें जस्ट 5-5 या 10-10 पिक्सल का जो है ना मार्जिन लगा हुआ है, जो कि बॉर्डर के अंदर, अदरवाइज़ अगर मैं पैडिंग नहीं लगाता हूँ इस पर, वो बिल्कुल अपने बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन नहीं लगाता हूँ तो ये दोनों बॉक्स आपस में बिल्कुल चिपके हुए आ रहे हैं, तो मार्जिन और पैडिंग थोड़ा थोड़ा लगाने से हमारा डिज़ाइन काफ़ी क्लियर हो जाता है, इस क्लीन हो जाता है डिज़ाइन हमारा काफ़ी अच्छा। अब ये इन्होंने कुछ मज़ीद लिखी है, डिज़ाइनर रेफर्स टू स्पेक्स बिटवीन आइटम ऑन अ पेज एज वाइड स्पेस, इमेजिन यू हैड अ बॉर्डर अराउंड अ बॉक्स, यू वुड नॉट वॉन्ट टू टच दैट, ये वही बात लिखी है इसने कि भाई वो ऐसे बॉर्डर को टच नहीं करना चाहिए टेक्स्ट। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें इसने बता दी, अब इन तीनों को ना कोडिंग में लगाना बताएगा, ये कोडिंग में अप्लाई कैसे होगा वो। अच्छा, बॉर्डर के अंदर तीन चीज़ें ऑब्वियसली, एक है बॉर्डर की विड्थ, एक है बॉर्डर का स्टाइल, और एक है बॉर्डर का कलर। ठीक है, फिर रेडियस तो वो एक अलग प्रॉपर्टी है, यानी बॉर्डर शो कराने के लिए मुझे ये तीनों चीज़ें जब तक मैं नहीं दूंगा बॉर्डर शो नहीं होगा। ठीक है, तो बॉर्डर की विड्थ लगाने के लिए क्या करूँगा, मैं ऐसे करके लिखूँगा बॉर्डर विड्थ, और साथ में साइज़ बता दूंगा, साइज़ मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ और थिक बोल के भी दे सकता हूँ। इसमें तीन, इसको नेम्ड वैल्यू कहते हैं, तीन इसमें नेम्ड वैल्यू भी मौजूद हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप या तो ईएम में दें या तो पिक्सल में दें। हाँ, अब ये इसकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन की भी होगी कि थिन का मतलब कितने पिक्सल है, तो ये एक्चुअली इट इवेंचुअली ट्रांसलेट्स इनटू पिक्सल। जैसे कलर्स में हम नेम्ड कलर होते हैं ना, 255 या पता नहीं 140 कलर ऐसे हैं जिनको नाम दिया हुआ है उन्होंने, बट दोज नेम्स इवेंचुअली ट्रांसलेटेड टू कलर कोड। तो कुछ कलर कोड उन्होंने चुन लिए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते थे या कुछ मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, तो उनको नाम दे दिया, बट इवेंचुअली जो भी नेम्ड वैल्यू है इज़ गोना ट्रांसलेट टू
समथिंग, क्या उसको बोलते हैं, स्केलर, सही है, समथिंग स्केलर, वो ट्रांसलेट होना है उसमें। तो 2 पिक्सल या 2 EM या 1 EM ऐसे करके। अच्छा, सिंगल वैल्यू देंगे तो चारों साइड का जो बॉर्डर है उसका साइज सेम आ जाएगा, यानी वो समझेगा कि चारों साइड की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं 4 अलग अलग वैल्यूज दूंगा तो वो 4 अलग अलग बॉर्डर को समझेगा कि अच्छा यार जो पहला वाला है वो टॉप वाले का है, फिर ये क्लॉकवाइज चलता है, सही है, तो पहले टॉप पे, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर ऐसे करके, सही है। तो 4 करके दे सकता हूँ मैं। उसके अलावा मैं बॉर्डर विड्थ के बजाय मैं बॉर्डर टॉप विड्थ बोलूँगा अगर, तो ये समझेगा सिर्फ टॉप की बात हो रही है। तो ये सारे अलग अलग मुख्तलिफ तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जिस नहीं देखो, जब तो तुमने 4 वैल्यू दिए ना सीक्वेंस से, तब तो ये क्लॉकवाइज ही समझेगा। अगर 3 दोगे तो चौथे वाले को ये समझेगा कि कुछ नहीं दिया, चौथा वाला खाली छोड़ देगा, गायब कर देगा, चौथे वाले पे कुछ नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जब तो 4 वैल्यू दोगे ना सीक्वेंस से, तो फिर क्लॉकवाइज ही कंसिडर करेगा। मतलब पहले को क्या समझेगा, पहला पहली वैल्यू किसकी है, 4 बॉर्डर में से पहली वैल्यू कौन सी है, तो कुछ तो उसमें सेट करना पड़ेगा ना, एक सेटिंग कुछ ना कुछ सेट करनी पड़ेगी कि अच्छा ये होगा। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो टॉप की है, सही है, और क्लॉकवाइज ये चलता है, यानी सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद जो है वो राइट है, फिर उसके बाद जो है बॉटम है, फिर उसके बाद लेफ्ट है, ठीक है। तो 4 वैल्यू अगर आप देते हैं, ये शॉर्ट हैंड है काइंड ऑफ, लेकिन अगर आपने चारों अलग अलग देना है तो उसके लिए ये तरीका भी मौजूद है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड आप 4 सीक्वेंस में एक वैल्यू दे दें, 4 सीक्वेंस से एक 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 वैल्यू, या ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लें, दोनों सही है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में जो है ना, हमारे पास देखो ये सारे स्टाइल्स मौजूद हैं, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ठीक है। हम जो सॉलिड लगा चुके हैं पहले, ठीक है, लगा के दिखा चुका हूँ मैं आपको कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अभी वो तरीका भी आगे डिस्कस होगा कि वो तीनों एक साथ कैसे दे सकते हैं। तो ये सारे बॉर्डर के स्टाइल्स मौजूद हैं, इनसेट, आउटसेट, ग्रोव। तो बहुत ही सिंपल है ये, बॉर्डर डैश स्टाइल, और आप स्टाइल सामने उसके मेंशन कर दें, उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये स्टाइल है। अच्छा, बॉर्डर कलर, अब ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि भाई बॉर्डर को आपने कलर देना है। तो कलर आप हेक्स कोड में भी दे सकते हैं, ठीक है, कलर का नाम भी दे सकते हैं, या जो भी डिफरेंट तरीके हैं कलर देने के, वो सारे यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंगल कलर देंगे तो वो समझेगा चारों साइड यही कलर रखना है। 4 अलग अलग वैल्यू देंगे तो वो समझेगा कि अच्छा 4 अलग अलग जगह पे दिया जा रहा है। उसके अलावा मैं बॉर्डर टॉप कलर या बॉर्डर राइट कलर ऐसे भी करके भी दे सकता हूँ, अगर 4 अलग अलग मुझे देने हैं तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ईजिली लगा के आप देख सकते हैं, उसको मेरे ख्याल लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया कि भाई HSL वैल्यू भी दे सकते हैं आप, कलर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक शॉर्ट हैंड है कि 3 पिक्सल डॉटेड और वाइट या ब्लैक, जो मैं इससे पहले यूज़ कर चुका हूँ, जो आपको यहाँ पर मैं अक्सर लगा कर दिखा रहा होता हूँ कि भाई 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो ये शॉर्ट हैंड है। इसमें आप क्या करते हैं, आप तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, साइज़, स्टाइल और कलर, ये तीनों चीज़ें आप एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये काफ़ी हैंडी रहता है शॉर्ट हैंड अगर आपको सिंपल सा बॉर्डर देना है। लेकिन कोई एलिगेंट किस्म का अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप फिर उसको अलग अलग भी दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो उसको शॉर्ट हैंड में ही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। अच्छा, पैडिंग बहुत ही सिंपल है, पैडिंग 10 पिक्सल, दैट्स इट। किसी भी बॉक्स पे आप पैडिंग लगाएंगे, हर बॉक्स के अंदर बॉर्डर होता है, बॉर्डर को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, पैडिंग को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, पैडिंग को ज़ीरो कर सकते हैं, तो पैडिंग वुड नॉट बी टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस। बॉर्डर नन होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो 0 पिक्सल होता है। नन क्या मतलब, गायब नहीं होता, 0 हो जाता है, सही है। देखो वो असल में इस सेंस में बात कर रहा है कि अगर बॉर्डर गायब हो जाएगा, मैंने एक एक बॉक्स बनाया हुआ है या एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर रेड, तो उस पैराग्राफ को जो मैंने रेड कलर दिया है वो एक सर्टेन एरिया में कंटेन्ड है ना, उससे बाहर तो नहीं निकल रहा वो, तो वो ये कह रहे हैं बॉर्डर वहीं पर है। बॉर्डर वैसे किसी मतलब पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक बॉर्डर है, बाउंड्री है, तो वो बॉर्डर कितने पिक्सल का है बॉर्डर, नहीं लिटरली कितने पिक्सल का बॉर्डर है वो पता है किसी को, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है वो, हाँ काइंड ऑफ कोई 200 मीटर के करीब होता है,
जैसे यहाँ से वो जो कोने में बोर्ड लगा हुआ है ना, इतनी दूर यहाँ पे एक बाड़ लगी हुई होती है और उस वहाँ तक एक बाड़ लगी हुई होती है। बीच वाला जो एरिया होता है वो नो मैंस लैंड कहलाता है ना, नो गो एरिया होता है वो। तो उस बीच वाले एरिया में जो भी होगा वहाँ पे कोई कानून नहीं होता, उसको गोली मार देते हैं फिर वो। सही है। हाँ, जो डंकी मारते हैं ना, जो डंकी पता है तुम्हें, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं इलीगल, जो उसको डंकी मारना कहते हैं देसी जुबान में। वो करते यही है, वो ये करते हैं कि जहाँ पे वो देखते हैं ना सर्वेलेंस नहीं हो रही, वहाँ पे बस फटाफट वो जाल को टक टक काटा और बस चुप करके ना उधर गया, उधर से भी काटा अंदर हो गया और फिर बस गुम हो गया अंदर जाके। तो अगर बीच में वो दिख गया ना उसको सर्च लाइट वाले को, तो सीधा गोली मारता है फिर क्योंकि उस पर वो कोई एलिगेशन नहीं होती कि दरमियान में कोई है ना इसका मतलब है मार दूँ, दोनों मारेंगे, एक भी नहीं, दोनों मारेंगे दोनों साइड से हमारा भी नहीं हो गया, हमारा भी नहीं है। सही है ना। तो वो मतलब बॉर्डर की एक साइज है उसके बॉर्डर का, सही है, 200 मीटर। तो अब मिसाल के तौर पे वो पूरे पाकिस्तान का मैप अगर आप खोलोगे तो उसके साइड में जो बॉर्डर है ना वो 200 गज का बॉर्डर है, क्योंकि जगह इतनी बड़ी है। तो अच्छा, उस बॉर्डर को आप ज़ीरो कर सकते हैं, लिटरली उस बॉर्डर को ज़ीरो कर सकते हैं आप। किसी को पता है कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे बॉर्डर का जो ये साइज़ है 200 मीटर वो ज़ीरो? यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है, सही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है कि चलता हुआ रोड है ना, मतलब आप गुलशन से जा रहे हो नीपा की तरफ तो वहाँ बीच में ना येलो कलर की लाइन है, जैसी रोड पे नहीं बनाई हुई होती, रोड पे वो येलो लाइंस बनाई हुई होती हैं, वैसी एक येलो कलर की लाइन है, वो यूँ क्रॉस में जा रही है। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड, जहाँ पे ना बॉर्डर पे कुछ दीवार नहीं बनी हुई, वो वैसे ही है, 0 पिक्सल का, 0 पिक्सल तो नहीं है खैर, वो भी चौड़ा होता है वरना दिखेगा नहीं वो लेकिन पॉइंट ये कह रहे हैं कि उस बॉर्डर को आप नन नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन ना हो, वहाँ पे लाइन होगी। सही है। अगर 0 पिक्सल कर दिया तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि एड्रेस कहाँ गया, मैं एड्रेस क्या लिखूँ, मतलब लाइन के इस तरफ हूँ मैं या लाइन के उस तरफ हूँ। जो टोबा टैक्सिंग में यही हुआ हुआ था ना, कि वो मतलब वहाँ के लोगों को क्लेम ही नहीं कर रहा था कोई, पता है तुम लोगों को कहानी टोबा टैक्सिंग की, तो पढ़ा करो फिर अपनी हिस्ट्री, जाना करो थोड़ी सी, ठीक है। वहाँ के लोगों को कोई क्लेम नहीं कर रहा था, वो कह रहे थे यार ये तो हमारा तो नहीं है, वो कह रहे थे नहीं हमारा भी नहीं है। तो वो बीच में आ गए थे, फिर उन्होंने बोला यार हम कहाँ हैं, हम पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है। इस सादत हसन मंटो का एक अफसाना भी है टोबा टैक्सिंग, इसी इसी वाक़े के ऊपर है। तो वो अफसाना पढ़ लो, मतलब पढ़ गया लोगे, अब तो वो 4 मिनट का होता है यूट्यूब पे, बना बना के लोगों ने रिकॉर्डिंग डाली हुई है, तो वो सुन लोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि टोबा टैक्सिंग का क्या सीन था। तो इसीलिए इसने लिखा था कि भाई बॉर्डर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, 0 पिक्सल कर सकते हैं। 0 पिक्सल करने से स्क्रीन पे वो कोई जगह नहीं लेगा, नज़र नहीं आएगा। अगर 500 पिक्सल का बॉक्स है तो वो फिर 500 ही पिक्सल का रहेगा। अगर बॉर्डर 2 पिक्सल कर दिया तो वो 504 पिक्सल हो जाएगा बॉक्स, यानी इस तरफ दो इस तरफ दो। 0 कर दोगे तो कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लेगा लेकिन मौजूद रहेगा। अगर वो ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब वो बैकग्राउंड कलर तो बाहर निकल जाए, फिर वो सब जगह फैल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। पैडिंग हमने देख लिया, पैडिंग भी चारों साइड की अलग अलग अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, उसके अलावा 4 अलग अलग वैल्यूज़ दूंगा अगर सीक्वेंस से, तो भी पैडिंग वो 4 साइड की पैडिंग को समझेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ जहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ देने का ऑप्शन है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट, तो पहला वाला टॉप होगा, फिर दूसरा क्लॉकवाइज चलेगा। 4 की जगह 2 भी दे सकते हैं आप। अगर 2 देंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाले को ना टॉप और बॉटम समझेगा वो, या कुछ इस तरह का कुछ है मतलब, ठीक है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, क्योंकि मैं 2 वाला कभी भी यूज़ नहीं करता, बिला वजह कन्फ्यूजन होती है ना, बिला वजह में बाद में। तो मैं हमेशा या तो 4 डालता हूँ या तो 1 डालता हूँ, 2 वाला सीन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। तो पहले वाले को वो काइंड ऑफ टॉप बॉटम समझता है, दूसरे को जो वो राइट लेफ्ट समझता है, इस तरह का कोई सीन है। हाँ, बस कुछ है वो तुम लगा के देख लेना, 2 भी दे सकते हैं। हाँ, इस तरह का कुछ है। अच्छा, इसी तरह मार्जिन है, मार्जिन भी आप सिंगल देंगे तो चारों साइड ले लेगा, 4 अलग अलग वैल्यू देंगे तो 4 अलग अलग साइड लेगा वो, ठीक है भाई। ये मार्जिन के बगैर है ऊपर वाला, नीचे वाला मार्जिन के साथ है। मार्जिन आप देख रहे हैं, वाइट स्पेस होता है, इसका कोई मतलब
स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं मार्जिन, लेकिन होगा क्या, ये दूसरे जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं या अपना जो पेरेंट कंटेनर है इसका, अपना जो पेरेंट कंटेनर है उसके बॉर्डर से जो बॉर्डर चिपका हुआ था इसका, वो थोड़ा दूर हो जाएगा, ये अपने एडजेसेंट एलिमेंट है उससे ये दूर हो जाएगा। अभी हम ये मार्जिन पैडिंग जो है ना, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके भी इसके साथ हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होता है। हैं मार्जिन को कलर मैंने कभी दे के नहीं देखा, ना बुक में इसका जिक्र है कहीं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद दे भी सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर। नहीं मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। मुझे मार्जिन को, असल में मार्जिन तो होता ही इनविजिबल होने के लिए ना। देखो वही अगेन मैं मार्जिन की डेफिनेशन पे जाऊंगा ना, कहानी सारी नाम से शुरू है, डेफिनेशन से शुरू है। मार्जिन हम क्यों रखते हैं कॉपी पे, फिजिकल पेपर पे, कि पेपर सबसे पहले साइड से ख़राब होता है तो चारों साइडों को थोड़ा थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, बिल्कुल एज तक नहीं लिखते हैं, ठीक है। दैट्स फॉर मार्जिन, कि भाई अगर ख़राब हो गया तो मेरी बचत हो जाए। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि पेज वो साइड से ख़राब हो ही जाए भाई, कुछ बुक्स ऐसे रखा जाता है कि वो कभी भी ख़राब नहीं होती फिर, ठीक है। एक बुक की बाय द वे लाइफ कितनी होती है पता है किसी को? नहीं अगर वो बहुत अच्छे से उसको रखा जाए, अच्छा बुक के जो पेजेस की उम्र होती है ना वो काइंड ऑफ 4 से 5 हज़ार साल तक होती है, अगर उसको अच्छे से रखा जाए, नमी धूप वगैरह उसको ना लगे तो 4 से 5 हज़ार साल तक वो रहता है, ठीक है। अभी जदीद पेपर जो है उसकी बात हो रही है, जो पाइपरस की बात नहीं हो रही जो इससे पहले था, इससे पहले पाइपरस हुआ करता था, वो थोड़ा रफ़ काइंड ऑफ ये येलो कलर का होता था, आपने शायद बचपन में नज़र पड़ी हुआ। अब तो वो फैशन के लिए थोड़ा येलो कर देते ना, वो एक्चुअल में पाइपरस नहीं होता, वो येलो होता था पाइपरस, पाइपरस का जो कलर होता था बिल्कुल जो दरख्त की छाल होती है ना वो कलर होता था, तो उस पर लिखते थे और वो बहुत ही नाजुक होता था, उस पर हल्का सा कोई वेनेगर वगैरह टच हो गया ना अगर, तो वो बुरादा बन जाता था फौरन। फिर उसको कीड़ों को वो बड़ा पसंद आता था, तो कीड़े भी उसको बड़े मज़े से खाते थे, ठीक है। अब तो इन्होंने जदीद पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व की हैं कि जिससे कीड़े उसको ना खाएं, इससे दूर रहें, ठीक है। फर्नीचर में भी आपको पता है वो ऐसे पॉलिश वगैरह जो लगाते हैं ना फर्नीचर पर, उसका मेन रीज़न ये होता है कि कीड़े उससे दूर रहें, उनको ऐसी बदबू डाल देते हैं उसमें जो कीड़ों को पसंद नहीं होती, इस तरह की कोई सेटिंग बनाते हैं। तो हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है भाई। अभी जो इन्होंने जो शुरू में केबल बिछाई थी ना सबमरीन में, तो एक दो कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने ख्याल नहीं किया इस चीज़ का, वो कोई प्लास्टिक था वो शार्क्स को बड़ा पसंद था तो वो खा लेती थी आगे, सही है। तो अब उस उन्होंने इन चीज़ों को फिक्स किया जाएगा, पिछले 4-5 सालों में ये मसले हल हो गए, वरना हाँ वो कुछ है। अभी केबल, अभी इतनी लंबी केबल है, ज़ाहिर एक दिन में तो चेंज नहीं होती ना। अच्छा नहीं वो तो उन्होंने मैसेज बना के रखा हुआ है, वो पता नहीं कब का, वो डेट हटा के ना उन्होंने न्यूज़ का वो बुलेटिन की ना स्नैपशॉट पता नहीं कब का लेके रखा हुआ है, वो मुझे भी भेजते हैं। वो कभी भी करो ना सबमरीन की केबल कट गई, अच्छा 4-5 है रैंडम, ये नहीं है एक ही भेज रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा ना फिर। अलग अलग न्यूज़ के ना वो अलग अलग हैं और अलग अलग रीजंस हैं कि अभी किसी में केबल कटी हुई है, किसी में पावर शॉर्ट हुआ हुआ है, किसी में कुछ हुआ हुआ है, लोड बढ़ा हुआ है किसी में, समझ रहे हो, अलग अलग है उसके। तो वो तो ऐसे ही कहते हैं, वो उनको खुद नहीं पता होता क्या हुआ है, वो वेट करते हैं शायद चल जाए, फिर वो सोचते हैं कि यार क्या करें, फिर वो साथ में बच्चा होता है ना हर केबल वाले के साथ, एक छोटू होता है, कहता है यार छोटे क्या करा जाए, फिर छोटा बोलता है यार उस्ताद मेरे को लग रहा है वहाँ पे मसला है, चलो आओ देखते हैं। ये चल रहा होता है भाई इनके, इनको कुछ भी नहीं पता होता केबल वालों को। तो भाई ये मसला था बहुत अरसे तक, ये बड़ा मसला रहा है, जो हमारी जो केबल्स हैं बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें चूहे खा जाते थे, वो तो वो भी इसी वजह से खाते थे कि वो प्लास्टिक एक सर्टेन टाइप का प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है दरख्त से निकलता है ना, प्लास्टिक दरख्त में फलता है, पता है किसी को ये प्लास्टिक कहाँ से आता है? दरख्त से निकलता है, सही है। दो ज़राए हैं प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करने के, एक तो ज़मीन से जो पेट्रोलियम निकलती है उसमें से भी निकलता है प्लास्टिक कुछ रबर वगैरह, और दूसरा जो अच्छे वाला प्लास्टिक होता है और जो रबर होता है ख़ास तौर पर, वो दरख्त से निकलता है, दरख्त की जो उसको कट लगाते हैं उसमें से गोंद निकलता है, उसको जमा करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं और वो रबर में कन्वर्ट हो जाता है जो अच्छे वाला रबर होता है। तो ये दो ही जरिए हैं प्लास्टिक और उसको एक्सट्रैक्ट करने के, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक चीज़ है,
तो उसको मज़ा आता होगा खाने में। हमारे बच्चे यहाँ पे साबुन खा जाते हैं, वो ऐसे खुशबू वाला दिया हुआ है ना, बच्चे साबुन खा जाते हैं भाई। तो तुम देखना कभी जो छोटे बच्चों वाली अम्माएँ होती है ना, वो खुशबू वाला साबुन नहीं लेते, वो ऐसा साबुन लेते हैं जिसमें बिल्कुल ही कोई घटिया किस्म का वो। हाँ मैं ये एक मतलब तुम लोगों ने पता नहीं रियलाइज़ किया या नहीं किया, जितने भी अच्छे ब्रांड है ना साबुन के, जैसे सेफगार्ड वगैरह हो गया, इसमें एक कैटेगरी होती है जो बहुत अच्छी खुशबू वाली होती है और एक कैटेगरी होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे सेफगार्ड में एक हर्बल करके आता है, वो हर्बल वाला लोग है ना, उसमें लगता है पता नहीं कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ खुशबू नहीं होती, बिल्कुल सादा होता है और उसमें झाग वग भी इतना नहीं होता, पता नहीं लोग क्यों लेते हैं उसको। तो शायद इस वजह से लेते हैं कि बच्चे ना खा जाए उसको। अच्छा तो ये मार्जिन पैडिंग ना थोड़ा हम करके देखते हैं यार। अच्छा अगला इसने जो टॉपिक बताया ना, वो सेंटरिंग कंटेंट बताया है कि कंटेंट को जो है ना सेंटर कैसे किया जाए। तो इसने बोला है कि भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पता नहीं मार्जिन ऑटो, तो ये नहीं करना भाई, आपने कभी भी नहीं करना, ये पुराना तरीका हो गया। इसके लिए एक फ्लेक्स बॉक्स की टेक्निक मौजूद है, वो हम इंशाल्लाह अभी फ़ौरन देखते हैं उसको कि वो क्या चीज़ है। मैंने कहा 8 box मार्जिन और पैडिंग, हाँ वो बस मैं कोड लिख लूँ फिर इसको देखते हैं क्या सीन है उसका। अच्छा भाई हो गया सेट ये, अरे यार ये क्या हो गया इसको, सही हो गया। अच्छा जी तो ये मेरी बॉडी है, अब इसमें हम क्या बनाने लगे हैं, इसमें हम बनाने लगे हैं नेविगेशन बार। हम नेविगेशन बार पहले भी बना चुके हैं लेकिन हमने बगैर स्टाइलिंग वाला बनाया था, अब हम स्टाइलिंग वाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, नेव, ठीक है। नेव एक सिमेंटिक टैग है जिससे पता चल जाता है कि अच्छा यार ये नेविगेशन बार है, ठीक है। हमें नहीं, मेरे यूज़र को नहीं, बल्कि एक दूसरी मशीन को या एक दूसरे कंप्यूटर को या क्रॉलर को, ठीक है। लगा दे तो अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो भी विजुअली कोई फ़र्क नहीं आएगा आपके, विजुअली वो सेम ही रहेगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या लगा देना है इसमें, UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद लगा देना LI, ठीक है। नेव बार के अंदर एक लिस्ट होगी कि भाई नेव बार में कितने आइटम्स हैं, तो ये भी सिमेंटिक टैग है UL और LI। बेहतर ये है कि आप इसी से बनाएं, नहीं भी इससे बनाते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसला मतलब विजुअली कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैसे सिमेंटिक डिटेल मिस हो जाएगी, मसला तो है, ये नहीं बोल सकते कि कोई मसला नहीं है। होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सही है, ये चार आइटम मैंने बना दिए। तो अरे ये तो पुराना वाला चला हुआ है, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी इंस्पेक्शन करनी है कि क्या चीज़ क्या है। यार ये क्या हो रहा है, इसको रोक के चलाता हूँ। ये रुक रहा भी नहीं है यार, सही है, बेहतर हो गया। अच्छा सबसे पहले मैंने इंस्पेक्शन करनी है ना,
ये है मेरा नेव बार जो इस वक्त ये हाईलाइट होके दिख रहा है मुझे, उसके बाद है ये यूएल, सही है। यूएल भी मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और उसके अंदर एक एलआई है, और एलआई भी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा मुझे क्या करना है, इसको साइड बाई साइड लाना है ना, मुझे इसको क्या करना है, साइड बाई साइड लाना है। तो यूएल तो अपनी जगह सही है, आखिर तक जगह मिल रही है उसको। एलआई जो है ना ऑन अदर एंड, अगर इसको मैं इन लाइन कर दूँ तो ये नीचे वाले आइटम को अपने साथ आने की इजाज़त दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एलआई, सही है, और एलआई के ऊपर मैंने जाके क्या बोला, अबे यार एलआई पे मैं स्टाइलिंग ऐसे नहीं लगा पा रहा हूँ, चलो क्लास दे देते हैं यहाँ। मैं चाह रहा हूँ चारों एलआई पे एक साथ लगे ना, सही है, क्लास एलआई दे दी मैंने, सही है। ऐसे स्टाइलिंग करना नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन सेम पेज पे स्टाइलिंग करने से मुझे समझाने में आसानी होती है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपने हमेशा एक्सटर्नल फाइल वाली स्टाइलिंग करनी है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, अब डिस्प्ले इनलाइन, सही है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, यू एल अपनी जगह पर है, आखिर तक जगह ले रहा है, एल आई को मैंने क्या कर दिया, इनलाइन डिक्लेयर कर दिया। इन लाइन डिक्लेयर करने से क्या हुआ, इसने अपने नीचे वाला जो आइटम था, क्योंकि इन लाइन का मतलब होता है खुद पूरी लाइन नहीं लेगा और अपने साथ दूसरे आइटम को भी आने देगा, और दूसरा आइटम भी क्योंकि इन लाइन है तो तीसरे को भी आने देगा। तो इस तरह वो सारे के सारे एक लाइन में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं, 1 पिक्सल सॉलिड, अच्छा तो ये अभी कुछ बहुत अच्छा नेविगेशन बार फील नहीं हो रहा है। अच्छा तो थोड़ा सा मैंने इस पर क्या करना है, क्योंकि एच ना बिल्कुल कंटेन हुआ हुआ है, अपने कंटेंट के ऊपर टाइट हुआ हुआ है। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको साइज़ बड़ा कर दूँ इसका, कि भाई 4 बटन है तो चारों के भाई 100-100 पिक्सल का या 50-50 पिक्सल का साइज़ हो, ठीक है। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग मैंने कहा कि 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल देने से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। हाइट में मुझे इतना बड़ा नहीं करना था मिसाल के तौर पे इसको, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई 5 पिक्सल, यानी टॉप पे 5 पिक्सल स्पेस 10 पिक्सल राइट पे, उसके बाद 5 पिक्सल बॉटम पे, और उसके बाद 10 पिक्सल लेफ्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको टॉप और बॉटम में थोड़ा कम दिया है। अच्छा इसको मैं 2 वाला भी कर सकता था, अगर मैं सिर्फ 2 दूंगा इसको, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, चलना ठीक है। अगर मैं इसको 2 वैल्यू देता हूँ तो भी ये सेम चीज़ कंसिडर करता है। देखो फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं कम करूँगा ना, तो टॉप और बॉटम दोनों पर इम्पैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू है जो टॉप और बॉटम दोनों पर इम्पैक्ट आ रहा है इसका। तो मैंने इसको 5 रखा, और इसको मैं मिसाल के तौर पर बढ़ा के इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, मच बेटर। अच्छा अब ये थोड़ा थोड़ा ना मैं चाहता हूँ कि ये दूर भी हो जाए, अब इसमें मार्जिन लगा दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया ये, अब डिपेंडिंग ऑन माय यूज़ केस कि मुझे कितना इसको दूर करना है और कहाँ कहाँ से दूर करना है। मिसाल के तौर पे अभी जो है ये राइट और लेफ्ट से अपने दूर हुआ है, सही है, इसने सिर्फ राइट और लेफ्ट के ऊपर ये लिया है जो मार्जिन है। अच्छा एक चीज़ और भी होती है मार्जिन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन कोलैप्स, सही है। बुक में इसका जिक्र नहीं है कहीं पे, ये शायद पता नहीं हो भी किसी कोने में लिखा हुआ इन्होंने। 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अगर आप मार्जिन देते हैं ना, तो वो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स बना हुआ है, इमेजिन करेंगे, अच्छा इनलाइन एक वो भी होता है इनलाइन ब्लॉक, सही है। एक तो इनलाइन होता है, फिर इनलाइन पे लेकिन मार्जिन सही तरह लग नहीं पाता, इनलाइन जो है ना मार्जिन को समटाइम डिक्लाइन करता है। तो आमतौर पे जब भी हम किसी चीज़ को इनलाइन करते हैं ना, तो हम उसको कोई ब्लॉक लेवल है उसको हम इनलाइन करते हैं, तो वो इनलाइन ब्लॉक करते हैं, इनलाइन बिल्कुल नहीं करते। इनलाइन बिल्कुल करने का मतलब होता है कि पैराग्राफ के टेक्स्ट के बीच में कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो इनलाइन होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल इनलाइन कभी भी नहीं होगा। इसको हम आमतौर पे इनलाइन ब्लॉक रखते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अगर ये एक मैंने टॉप पे दिया हुआ है इस जगह पे,
इसके नीचे मैं यहाँ पे कोई बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, तो जाहिर है दोनों को मैं, जो ऊपर चार बटन बने हुए हैं उनको भी मार्जिन दूंगा, नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसको भी मार्जिन दूंगा मैं। इमेजिन करें कि मैंने टॉप वाले जो चार बटन थे इसको जो मार्जिन बॉटम था वो मैंने दिया हुआ है 10-10 पिक्सल, बल्कि बना लेते हैं ना, हम एक बना लेते हैं, मैं एक यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ मैं, और मैं इसको कह देता हूँ कि भाई क्लास जो है ना वो डिव है, सही है, मैंने कहा डॉट डिव, और मैंने कहा विड्थ जो है आपकी वो 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल और कलर रेड, ठीक है, रेड को थोड़ा मैं लाइट कर देता हूँ, ठीक है जी, कलर रेड शो क्यों नहीं हुआ, हाँ बैकग्राउंड कलर देना था ना मुझे, सही है। अब मेरे पास देखो ये बॉक्स है एक, अच्छा इसके ऊपर जो वो नैव है एक्चुअली, सही है, और यूएल है। अब यूएल के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे 16 पिक्सल का नीचे मार्जिन है, सही है, 16 पिक्सल का मार्जिन है और ये नीचे वाले बॉक्स में कोई भी मार्जिन नहीं है, तो अब मैं नीचे वाले बॉक्स पर मार्जिन लगाता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। इस डिफ पे आके मैं कहता हूँ कि यार आप क्या ले लो, 20 पिक्सल का जो है ना आप मार्जिन ले लो, सही है। अच्छा आपने नोट कर लिया होगा कि 20 पिक्सल का मार्जिन देने से ना वो सिर्फ 4 पिक्सल नीचे आया है अपनी ओरिजिनल जगह से। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इन दोनों का जो मार्जिन है ना वो कलेप्स हो गया, देख रहे हो, अगर मैं इस डिफ को 16 पिक्सल का मार्जिन देता ना एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ऊपर वाले पे भी 16 था नीचे वाले पे भी 16 था, ठीक है। तो काइंड ऑफ जैसे ये मेरी फिंगर देख रहे हो, ये दो ऐसे मैं आपस में फिंगर अंदर करता हूँ ना तो ये कोलैप्स इस तरह करके हो जाता है। अच्छा किसी एक का मार्जिन अगर मिसाल के तौर पर इस हाथ की मेरी उंगलियाँ बड़ी हो एक एक फिट की हो तो फिर वो शायद यहाँ आके रुक जाएगा ना मेरा ये हाथ ये वाला, तो लेकिन अभी केस में बराबर है तो अभी ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 16-16 पिक्सल दोनों को दूंगा तो वो चपके ही रहेंगे। अब ये मार्जिन कोलैप्स एक फिनोमेना है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर और इनलाइन ब्लॉक में भी, तो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा हाउएवर ये एक जो नई अप्रोच है फ्लैक्स बॉक्स, इस अप्रोच के अंदर ये सारे मसले काइंड ऑफ हल हो चुके हैं, सही है। इन चीज़ों से आपको जूझना नहीं पड़ता इस नई वाली अप्रोच में जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा तो क्या है वो अप्रोच, ज़रा देखते हैं हम बुक में आगे क्या है इसने बताया, फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये सेंटरिंग भी उसी में कवर होगा हमारा, सेंटरिंग कंटेंट, ठीक है। अच्छा इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 का जो बॉक्स मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 से वास्ता पड़े तो ये यहाँ रखा हुआ है, देख लेना फिर आगे। अच्छा चेंजिंग इनलाइन ब्लॉक ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तीन तरह के इसमें होते हैं, इनलाइन ब्लॉक, अच्छा नन से तो बिल्कुल गायब हो जाता है वो, ठीक है, डॉम से गायब हो जाता है, और इनलाइन है ब्लॉक है और इनलाइन ब्लॉक है। अच्छा इनलाइन ब्लॉक को देख लो क्या है, दिस कॉज ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू फ्लो लाइक इनलाइन एलिमेंट वाइल रिटेनिंग अदर फीचर्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है, वो सिर्फ जो अपनी लाइन में किसी को नहीं आने दूंगा मैं, ये वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी ना उसकी रहती है, ठीक है। अगर बिल्कुल इनलाइन करते हैं आप तो वो उसको फिर हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मार्जिन वार्जिन करो वो समटाइम डिक्लाइन करता है, वो बोलता है यार मैं इनलाइन हूँ, वो बोलता है मैं मेरे को पैराग्राफ के बीच में टेक्स्ट हूँ, जहाँ टेक्स्ट जाएगा वहीं मैं भी जाऊँगा, तो वो थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है समटाइम हैंडल करना, तो इनलाइन ब्लॉग उसको बनाते हैं। अच्छा विजिबिलिटी एक के भाई विजिबिलिटी हिडन, जैसे एक तो था ना डिस्प्ले नन कर सकते हैं आप, विजिबिलिटी हिडन करने से क्या होता है कि वो डॉम से गायब नहीं होता, उसकी जगह वहाँ पे रहती है, स्पेस वहाँ पे रहता है उसका, देखो यहाँ पे स्पेस है, इसने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आइटम बनाए थे तो थर्ड वाले पे इसने लगाया है कि भाई विजिबिलिटी हिडन, तो थर्ड वाले की स्पेस मौजूद है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं हिडन, एक हिडन वो है यानी डिस्प्ले नन कि वो जगह भी छोड़ देगा, जगह वहाँ पे रहेगी नहीं उसकी, एक ये कि जगह लेकर रखेगा वो, जस्ट कंटेंट उसका नज़र नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है, अभी बॉर्डर इमेज भी, इमेज को हम बाद में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्लेक्स बॉक्स की तरफ, कि फ्लेक्स बॉक्स क्या बोला है।